अस्सलामुअलैकुम माई YouTube फैमिली, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, खुश होंगे, बहुत मज़े में होंगे। वेलकम बैक टू वेस फैमिली व्लॉग्स एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। सो फ्रेंड्स, हमारे बकरे आ चुके हैं, आप देख रहे हैं, अभी सुजुकी में से उतरे हैं और इतना रश लग गया है बाहर, बच्चे भी ऊपर से नीचे भाग गए हैं एकदम से कि बकरे आ गए हैं। और ये गली के मोहल्ले के सारे बच्चे जो हैं ना, ये अब खिदमत सर अंजाम देंगे जितने दिन भी बकरे इधर हैं। और मैं भी ऊपर आ गई हूँ टेरेस पे से वीडियो बना रही हूँ, मैंने कहा देखूँ ज़रा क्या हाल है गली में, तो काफ़ी शोर मचा हुआ है। जब से ये टेंट वगैरह लगे थे ना, इनका अरेंजमेंट हुआ था जानवरों का, तो उस वक्त से बस सब वेट कर रहे थे कि किस वक्त आएंगे जानवर, किस वक्त आएंगे। लेकिन आनी तो गाय भी थी इनके साथ, बकरों के साथ, लेकिन सिर्फ अभी बकरे आए, गाय का सौदा नहीं हो सका। तो एनीवेज कल इंशाल्लाह गाय भी आ जाएगी। बच्चे सारे प्रोग्राम बना के बैठे हैं कि अपने पापा के साथ हम भी जाएंगे गाय लेने, तो अभी सिर्फ चार बकरों पे ही गुजारा कर लेते हैं। और देखा, मैंने आपसे कहा था ना, आते ही ये सारे हमारे प्लांट्स खाना शुरू हो जाएंगे, जो हमारी हैज है ना, ये सारी ख़त्म कर देंगे। तो आते ही ये खाना पीना शुरू हो गए हैं और सब बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हैं। माशाल्लाह हैं भी बहुत प्यारे सारे, माशाल्लाह से वाइट बकरे हैं और किसी का फेस ब्लैक है, ब्राउन है, थोड़ा थोड़ा सा कलर तो ऐड होता ही है किसी के कानों में, फेस में, आइज़ में। तो चलो मौज मारो, हमारे घर आ गए और नान मंजिल, तो अब सारे बकरे मौज मारे और ये आपस में डिस्कशन कर रहे हैं। उमर क्योंकि लेने गया था बकरे, तो हरम को सारी वो बता रहा होगा, तफसील बता रहा होगा, डिस्क्राइब कर रहा है किस तरह लिए, कैसे लिए, कितने के लिए और गाय क्यों नहीं लिए। तो बस अब बच्चे दिन रात बकरों के पास ही गुजारेंगे, मुझे लग रहा है रात भी ये बकरों के पास ही गुजारेंगे। और है जी, अब ये नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग, बच्चे हसबे मामूल के अलावा जल्दी सो के उठ गए। वैसे तो ये 12:30 सो के उठते हैं, लेकिन आज जल्दी सो के उठ गए हैं। तो ये आया है बच्चों के लिए एक शिपू और दो, माशाल्लाह माशाल्लाह, ये हमारे दो शीप आए हैं। गाड़ी की डिग्गी में रखे हुए थे वे इसने। भेड़ अब इसने तो एक लाना था, लेकिन अब मेरे ख्याल से दो ले आए हैं, ख्याल से क्या, वाकई यकीनन दो ही ले आए हैं। चलो ये भी ज्वाइन करेंगे बाकी बकरा पार्टी को। और हमारी काओ भी आ गई है, बहुत देर लगी आने में। हाँ, ये तो खाली ट्रक है, ये तो खाली ट्रक है, ये तो हमारे साथ प्रैंक हो गया है। सब अलर्ट हो गए थे कि हमारी गाय आ गई है और खाली थी वैन। चलो खैर है, थोड़ा इतना इंतज़ार किया, थोड़ा इंतज़ार और कर लेते हैं। फाइनली बहुत देर कर दी मेहरबान आते आते, वाकई बहुत देर कर दी है। सो क्लोजअप, ये तो ब्लैक कलर की काओ है कोई। अब इसकी अनलोडिंग होंगी, जो के सबसे मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल। बहुत मुश्किल काम है। सारे बच्चे जमा हुए हुए हैं इधर, इब्राहिम, हमजा, उमर, हारिस, पापा, बड़े पापा। और अभी देखना और रश लग जाएगा, क्योंकि जब गाय को वैन से उतारा जाता है ना, तो बहुत ज़्यादा रश हो जाता है, सारे बच्चे बड़े तमाशा देखने आ जाते हैं। रोशनी इतनी काम है ना, तो मुझ यहाँ से मुझसे जैसे वीडियो बन पा रही है
मेरी पूरी कोशिश है कि अच्छे से वीडियो बन जाए। थोड़ा सा इसको कूल डाउन करेंगे क्योंकि ये सफ़र करके आ रही होती हैं, झटके लगते हैं तो गुस्से में होती हैं। ये तो ब्लैक है, फुल ब्लैक, काला शाह काला। ओह, डोर खोल दिया है दरवाज़ा। ये तो बहुत आराम से आ जाएगी, शरीफ सी काऊ लग रही है। शरीफ-उन-नफ्स काऊ है ये, शरीफ, बिल्कुल शरीफ गाय। अभी देखना, आराम से प्यार से आ जाएगी नीचे। 1, 2 and 3, ज़बरदस्त। ये देखें, माशाल्लाह माशाल्लाह, सब कह दे माशाल्लाह। यही सीध पे हमारी कुर्बान होने वाला जानवर है। अब हम इस तरफ हो जाते हैं थोड़ा सा। ये रही काओ, माशाल्लाह फुल ब्लैक है इस दफ़ा। वैसे तो अभी इसको वाइट का शौक है कि फुल वाइट होनी चाहिए, पर इस दफ़ा ब्लैक लिए। और अब क्योंकि ये ऊपर से कवर है, यहाँ से मुझे नज़र नहीं आएगा, इसलिए बस इसका मुंह ही मैं आपको दिखा सकती हूँ। ये देखें, सारा ऊपर से ना कवर किया हुआ है। लेविश हम लोगों ने इनके लिए रहने के लिए जगह तैयार की है, बिल्कुल 5-स्टार होटल। सारे बकरे आगे आगे हैं और काओ सबसे एंड में कर दिए। वाह भाई माशाल्लाह। तो इस तरह से हमारे जानवर पूरे हो गए हैं। 4 बकरे हैं, 2 हमने शीप लिए हैं और 1 हमने काओ ली है। चलो शुक्र हुआ ये काम तो हो गया, बस 3-4 दिन ईद में बाकी रह गए हैं। और ये बकरे सारी जो है ना, हमारे डमडम भी खा गए हैं, जो हमारी ये हमारे अपने प्लांट्स लगे हुए हैं, हेज हमारी सारी ये खा चुके हैं। और हर साल इस तरह ही होता है। ये हमारे छोटे छोटे शीप हैं 2, ये देखें ये 2 शीप, फिर 4 बकरे और 1 काओ। ना उनको खिलाओ हरम, उनके पेट खराब हो जाएंगे, खा खा के खान बाबा बन जाएंगे। बारी का शिपू है, बारी शिपू कौन सा है? और डीपू, डीपू है कि पीपू है? वॉल भी खा लेंगे। वो लड़ाई कर रहे हैं इब्राहिम, वो लड़ाई कर रहे हैं दोनों खाने के पीछे। अब अली साहब आ गए हैं खाना खिलाने। सैनिटाइजर रखा हुआ इधर? और ये मेरा प्यारा पारी। पारी इसको ऊपर ले जाए, दोनों को कल हम इनको ऊपर ले जाएंगे। पारी ऊपर यहाँ बंधवा लेंगे अपनी गली में, ठीक है पारी? अरे अब्दुल्ला अंकल को बोलना कल इनको ऊपर छोड़ जाएंगे हमारे पास दोनों को। गली मोहल्ले के बच्चे आके भी खाना खिला रहे हैं इनको। रौनक लग गई है एकदम से हमारे गली में सारी, और ये बच्चे सारा दिन बाहर गुजारते हैं, सारा दिन। पर इनको ऊपर ले जाएं, उधर अपने उधर बांध देंगे गली में, ठीक है। सो फ्रेंड्स, जानवर तो आ चुके हैं और अब हमें इनके खूब ज़्यादा खिदमत करनी है, क्योंकि कुर्बानी के जानवर तो वैसे ही बहुत प्यारे होते हैं और इनकी
देखभाल बहुत अच्छे से करने चाहिए, इनको बिल्कुल भी तकलीफ़ नहीं पहुंचानी चाहिए, क्योंकि ये अल्लाह की राह में हम लोगों ने कुर्बान करना है। तो आप भी कोशिश करें, अपने आसपास बच्चों को भी समझाएं कि कुर्बानी के जानवरों को बिल्कुल भी तंग नहीं करना है, बहुत ज़्यादा नरमी से और इनके साथ प्यार से पेश आना है, सख्ती तो बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला हर किसी की कुर्बानी को कबूल फरमाए। तो आप लोगों ने सब इतना सा करना है कि जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियोस को लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें और वीडियो प्लीज़ एंड तक देखा करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, विस फैमिली व्लॉग्स को सपोर्ट करते रहें। मिलते हैं नए व्लॉग में, अल्लाह हाफिज़।